हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पास सुबह की सब्जी बन चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो आलू और टमाटर की सब्जी बनी है। बस धनिया पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दिया और बस ढक देती हूँ और बंद कर देती हूँ। दूसरे साइड मैंने पूरियों के लिए तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है और यहाँ पास लोई काट के रखी हूँ। तो चलिए जल्दी से पूड़ियाँ बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि पानी वाली जो सब्ज़ी होती है आलू की ना, बहुत अच्छी होती है। उनके साथ पूड़ियाँ आप खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पास सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब चलिए फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और कढ़ाई में तेल रखा है, पूड़ी वाली कढ़ाई में, तो वो अभी रखा रहेगा। उसको निकाल के फिर मैं जो जिसमें तेल इकट्ठा करके रखती हूँ ना, तो उसमें मैं डाल दूँगी और इसको बाद में मैं साफ़ कर लूँगी, या इसमें कुछ बना दूँगी ना, जिससे अभी दोपहर में खाना बनेगा तो कुछ बना दूंगी इसमें। तो चलिए सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं और इनको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। जो इनका जूठ लगा होता है वो पहले निकाल के लेती हूँ। कुछ दाने लगे रहते हैं ना खाने पीने का, तो अब पहले उन्हें साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसके बाद साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो चलिए जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और इसके बाद अभी मतलब घर का कुछ काम नहीं हुआ है, झाड़ू हल लग गया है और ब्रेकफास्ट हुआ, झाड़ू लगा दी हूँ, बिस्तर ठीक कर दी हूँ। क्योंकि अब फिर मैंने सोचा चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद जो घर के काम है वो करते हैं। क्योंकि किचन का काम अगर हुआ रहता है ना, तो बाहर का जो काम है वो जल्दी निपट जाता है। सबसे ज़्यादा काम में जो टाइम है ना, किचन में ही लगता है सबसे ज़्यादा वक्त। तो चलिए यहाँ पास करीब करीब सारे बर्तन धुल ही चुके हैं, थोड़े बहुत और हैं तो फटाक से धुल लेते हैं। छोटे मोटे बर्तन करते करते ना चाय साय के ना बहुत बर्तन हो गए थे, इससे लगता है दूध के कुछ थोड़े से बर्तन थे, चाय के हो गए। तो ऐसे ऐसे बर्तन ना थोड़ा बहुत करके और बहुत ज़्यादा हो गए थे सुबह सुबह ही। और पानी ओनी के बोतल से धोने थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है, गंदे हो गए थे। तो चलिए फिर चलते हैं इसके बाद दूसरे काम करने के लिए। तो सभी जगह के बिस्तर मैंने साफ़ कर दिए हैं और यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि मैंने सीढ़ियों में मतलब झाड़ू पोछा सब कर दिया है। और इसके बाद ये दोपहर की क्लिप है, तो यहाँ पास मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़का लगा दिया है मैंने कढ़ी में और इसी कढ़ाई में मैं सुबह पूड़ियाँ बनाई थी तो रखी हुई थी, तो इसमें मैं पूरे कढ़ी का तड़का भी लगा दूँगी। और बस बैंगन मैंने डाल दिए हैं, इनको अच्छे से पका लेंगे। बैंगन जब पूरी तरह पक जाएंगे तब इस जो दही का और बेसन का घोल तैयार किया है वो मैं डाल दूंगी। तो चावल भी मैंने निकाल लिया है बनाने के लिए और ये सुबह की सब्जी बच गई है, तो ये दोपहर में खाने में यूज हो जाएगी। तो कढ़ी मैं थोड़ी सी ही बनाऊंगी ताकि सब्जी जो है तो भी उसका भी उपयोग हो जाए, फेंकी ना जाए। तो चलिए जल्दी से इसमें हल्दी भी डाल देते हैं साथ में घोल में और इसको मिक्स कर देते हैं। कढ़ी बन चुकी है और यहाँ मैम को मैंने पहले ही खाना दे दिया, बहुत टाइम से बोल रहा था कढ़ी जब से बनना शुरू हो गई, तो उसको मैंने कढ़ी निकाल के दे दिया है और चावल भी बन चुका है। तो अब जाना है दूध लाने के लिए। तो सुबह थोड़ा सा दोपहर में मैंने ब्लॉग बनाया, इसके बाद छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग भी बनाते हैं आगे। और इसके बाद जाएंगे दूध लाने के लिए, फिर जाऊंगे, फिर बनाऊंगी चाय। और भी कपड़े छत में डाले हुए हैं, आज धूप बहुत अच्छी करके रखा है, मतलब कपड़े आज सारे सूख गए। एक बार मैं निकाल के लेके आई हूँ और अभी थोड़े से कपड़े छत में डाले हुए हैं, तो उनको भी निकाल के लेके आऊँगी अभी। तो चलिए जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और इसके बाद कपड़े निकालने के लिए गई हूँ। और ये शाम का टाइम है तो कपड़े एक बार मैं पहले निकाल के लेके गई थी, सूख गए हैं, तो यहाँ पास मैं दूसरी बार निकाल के लेके आज बहुत अच्छी धूप करके रखा था जिससे सारे कपड़े सूख चुके हैं। और इसके बाद चाय बन चुकी है यहाँ पास, तो अपने लिए चाय लेके आई हूँ। और एक कमेंट आते हैं बीच बीच में कि आप कहाँ की हैं, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आप लोगों को वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी कि मैं कहाँ की हूँ, और तो उसमें मेरी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। तो चलिए जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेते हैं और थोड़े थोड़े कपड़े करके ना बहुत हो जाते हैं। आप कितना भी सोचे कि आज कपड़े कम होंगे, धुल दिए हैं कल, इस ज़्यादा तो नहीं, पर वो डेली के कपड़े डेली हो जाते हैं ज़्यादा। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पास कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और लिया था ना तो वो हिला रहा था, तो चलिए कपड़े करीब करीब फोल्ड ही हो चुके हैं और अब चलते हैं इसके बाद दूसरा जो घर के काम है उन करने के लिए। तो यहाँ पास शाम का ही टाइम है, तो बच्चे सब लोग बाहर ही छत में खेल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल लगती नहीं आजकल, तो सब घर में ही रहते हैं तो दिन भर तो बिस्तर मतलब दो तीन बार ठीक करना पड़ जाता है। तो यहाँ पास पूरे बॉक्स में जो बिछा रहता है ना गद्दे उद्दे, तो वो सब हट गए थे, तो इनको थोड़ा सा बिछा देती हूँ और जो पिल्लो हैं सबको अच्छे से एक बार कम ठीक कर देती हूँ। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये बेडशीट पूरी पीछे से
हो चुकी है, तो इसको पूरा थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं और बाकी सुबह में पूरी झाड़ के और कल इसको फिर से बिछाऊंगी। अभी मैंने ऐसे ही कर दिया है और जैसे मैं दिखा, अभी कूलर रखा हुआ, कूलर यूज नहीं होता, इसका पानी भी इसमें भरा है, इसको निकाल के फेंकना भी है पानी, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है और नुकसान करता है ना, जो इसका कूलर वाला पानी चला हो तो नुकसान करता है। और ये सूज इसमें मैं रखती हूँ, ये जो डिब्बे हैं, तो बच्चों ने सूज पहना होगा तो डिब्बा अंदर ही रख दिया, तो इसको ले आके मैंने यहीं पास फिर रख दी हूँ, क्योंकि धूल आती है ना तो फिर गंदे हो जाते हैं सूज, तो मैं डिब्बों में सभी के डाल के रखती हूँ, तो जब पहनना हो तो आप निकाल लो, बाकी फिर उसी में रख दो। और अभी चलते हैं शाम के खाना में क्या बनाना है। तो यहाँ पास मैंने भिंडी धो के रखी है ऑलरेडी, और दूध आ गया था तो अभी रखा है पकाने के लिए, और साथ ही भिंडी से मैंने बताया कि धो के रख दिया है। और यहाँ पास मैं थोड़े से बर्तन ऐसे ही रख दिए थे, और एक बार मैंने चाय पी चुकी है, थोड़ी सी बची है, तो चलिए इसको भी गर्म करके और फिर इसको पी लेते हैं, फिर बाकी के जो काम है वो निपटाती हूँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज गए हैं 7, अब मैं आ गई नाइट का खाना तैयार करने के लिए। तो आज खाने में क्या बनाऊंगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पास भिंडी और यहाँ पास पड़ोरा है, तो इनकी दोनों की सब्जियाँ बनानी है, और ये मार्केट में बहुत ही कम आता है, इसको पड़ोरा बोलते हैं, तो हर जगह मुझे नहीं लगता कि हर जगह मिलता होगा, कहीं कहीं मिलता है, तो इसकी सब्जी मैं बना के आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं शाम का खाना बनाने की तैयारी। तो पहले मैं आटा लगा लूँगी और इसके बाद सब्जियाँ बनाना मैं शुरू करूँगी। और खाना बनाने से पहले चना मैंने फुला के रखा हुआ था, तो बहुत अच्छा से अंकुरित हो गया है, तो उसको बना लेती हूँ। तो प्याज टमाटर मिर्ची यहाँ पास मैंने कट कर लिए हैं, और जो चने थे तो उनको भी इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा 1 चम्मच चाट मसाला, और साथ में ही नींबू इसमें, मतलब 1 नींबू पूरा लग जाता है, नींबू का ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही नमक। तो यहाँ पास इस बना के चने को ना सब तो सबको चलिए दे देती हूँ एक बार के थोड़ा थोड़ा, और फिर इसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें नींबू का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी बना के टेस्ट कीजिएगा, मतलब शाम का स्नैक्स हो गया, और हेल्दी को हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि नुकसान है या नुकसान करिएगा बच्चों को। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं, और इधर मैंने सब्जी कट कर लिया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब हल्के हल्के, बहुत मोटे पीसों में नहीं ना, बहुत पतलों में, तो इसको मतलब 3-4 नामों से जाना जाता है, इसको कोकड़ भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं, मतलब 3-4 चीज़ों से हर जगह के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पास मैंने सब्जियाँ कट कर ली हैं, और कढ़ाई मैंने रख दी है लोहे वाली, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा मतलब मसाला फालतू का मैं यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी सी अदरक मैंने कट कर ली थी, लहसुन प्याज ये सभी चीज़ों को, और इनको थोड़ा पका लेती हूँ, और फिर इसके बाद प्याज डाल दूँगी। प्याज को मतलब पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्की सी पका लेना है, और फिर इसमें जो है आप चाहें तो सिंपल बना सकते हैं बिना प्याज के भी, बहुत अच्छा आता है, और चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है अब, और इसको अच्छे से भून लेंगे पहले अच्छी तरह से, जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें नमक थोड़ा सा डाल देंगे और ढक देंगे, क्योंकि जो नमक से थोड़ा सा पानी छोड़ देगा तो जल्दी पक जाएगा ये, इसको पकने में बहुत टाइम तो नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पास ढक दिया है नमक डाल के, और भिंडियाँ कट कर लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि भिंडी की भी मुझे सब्जियाँ बनानी है। भिंडी ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पहले से रखी थी फिर सब्ज़ी लेके आए हैं तो भिंडियाँ हो गई हैं, तो फिर ख़राब हो जाएंगी, तो पहले भिंडी की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, और इसके बाद टमाटर कट करके मुझे उसमें डालना है, क्योंकि वो करीब करीब पक ही चुका है, तो आधे जैसा आधा पक जाता है ना, तो वैसे ही इसमें टमाटर कट करके डाल दूँगी, ताकि टमाटर भी साथ ही साथ गल जाए, नहीं तो फिर टमाटर नहीं गल पाएगा। और तो धनिया पाउडर हो गया, और थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने इसमें कोई और फालतू के मसाले ऐड नहीं किए हैं, बस सिंपल सा ही बनाया है, और इसमें धनिया पत्ती मैंने डाल के और बंद करके रख दिया, अब रेडी हो गया बन के वो। और दूसरी तरफ भिंडी आप लोग देख सकते हैं बन चुकी है, और मैंने साथ ही साथ रोटियां बना रही हूँ, और बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया है, और बाकी की रोटियां बना के रख लेती हूँ, और इसके बाद चलिए रोटियां बन चुकी हैं और बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, और एक रोटियां लास्ट में सिक रही है, अभी तवे में रख दी हूँ तो पक रही है, गैस मैंने बंद कर दिया है, और इधर सब बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं, और कटोरी में ना इधर सब्जियां निकाल दी हैं, दोनों सब्जियां इसमें निकाल के रख दी हैं,
और तो चलिए 5 मिनट बाद खाना लगाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और इसके बाद फिर खाना लगाते हैं। तो चलिए खाना पीना सबका हो चुका है और इधर मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया है, अभी सबको दूध देना है ना। तो और थोड़े से बर्तन हैं तो चलिए जल्दी से इनको साफ़ कर लेती हूँ। उनका खाना पहले जूठ निकाल के डस्टबिन में डालना है और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म भी करूँगी। और चलिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।